दोस्तों, कुदरत ने हम इंसानों को कई खूबसूरत तोहफे दिए हैं, लेकिन उसने कभी अपने दिए तोहफों पर घमंड नहीं किया। इसके बावजूद हम इंसान अपने मतलब के लिए उसका नुकसान करते रहते हैं। वैसे तो प्रकृति माँ का रूप होती है, लेकिन इंसानों की बदमाशियों पर कई बार उसे गुस्सा भी आ जाता है, जिसके बाद वो कुछ ऐसा करती है जिन्हें देख किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुदरत के कौराम के ऐसे ही कुछ मंजर लेकर आए हैं। ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुदरत का ये कहर इटली के उत्तरी वेनेटो क्षेत्र का है, जहां कई गांवों और कस्बों में बॉल के साइज वाले ओलों की बरसात होने लगी। जोरदार तूफान के साथ 10 सेंटीमीटर व्यास के इतने ओले पड़े कि कई लोग जख्मी हो गए। इतना ही नहीं, कई कारों के शीशे और घरों की खिड़कियां तक टूट गई। ओलों की ये बारिश कितनी खतरनाक थी, इसका अंदाजा आप इस कार को देखकर लगा सकते हैं। ये दीवार देखकर तो ऐसा लगता है मानो जख्मों से भर गई हो। सच, इटली के लोगों ने कुदरत को इस कदर गुस्से से पागल होते पहले कभी नहीं देखा था। ये वीडियो अमेरिका के लुइसियाना राज्य का है, जहां कुछ दिन पहले ही जंगलों में तेज गर्मी के चलते भीषण आग लग गई, जो देखते ही देखते इतनी तेजी से फैलने लगी कि आसपास के शहरों तक पहुंच गई। तमाम एहतियात बरतने के बावजूद इस आग ने 33,000 एकड़ एरिया को राख के ढेर में बदल दिया। इस आग की वजह से जंगल का तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। इतना ही नहीं, इस दौरान करीब 16,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिनमें से कई को सांस से जुड़ी दिक्कतें हो गई। आग की ऊंची ऊंची लपटों में कुदरत का ये विकराल रूप जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। नेपाल स्थित कापुचे लेक के पास भयानक हिमस्खलन हुआ। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ की चोटी से बर्फ बहती हुई नीचे लेक की ओर आ रही है। ऐसा लगता है जैसे बर्फ का पूरा पहाड़ ही नीचे गिर गया हो। ऐसे हिमस्खलन के पीछे ग्लोबल वार्मिंग की मुख्य भूमिका होती है। हम इंसानों को गुस्सा आता है तो चीख कर चिल्ला कर किसी पर भी उतार देते हैं, लेकिन जब कुदरत को गुस्सा आता है तो कुछ ऐसा मंजर होता है। यहाँ कुदरत का गुस्सा कोहराम बनकर निकल रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में पहले तो भारी बारिश हुई, जिसके बाद पहाड़ों की जमीन खिसकने लगी। देखते ही देखते यहाँ के मकान ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे। इसी के साथ चारों तरफ चीख पुकार मच गई। दिल दहला देने वाला कुदरत का ये कहर जिसने भी देखा वो डर गया। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर हमारा टारगेट है कि इसे कम से कम 1500 लाइक्स तो जरूर मिलें। अगर हम लोग मिलकर इस टारगेट को अचीव करते हैं तो हम आपके लिए लाएंगे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो इसी बात पर अभी ठोक दीजिए अपना लाइक। नॉर्थ साउथ चाइना में अगस्त 2023 को एक विकराल रेतीला तूफान आया। 300 फीट ऊंचे इस तूफान को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये सैंडस्टॉर्म पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में लेने जा रहा है। तूफान का इतना भयंकर रूप देखकर लोग हक्के बक्के रह गए। कुछ देर के लिए मानो सब कुछ ठहर सा गया था, सिर्फ तूफान ही आगे बढ़ रहा था। ये जैसे ही नजदीक आया दोपहर में ही अंधेरा छा गया। फिर इतनी तेज हवाएं चली कि सब चीजें पत्तों की तरह उड़ने लगी। इतना ही नहीं, ये लड़की तो हवा में ही उड़ गई। आसमान में धूल का ऐसा अंबार तेजी से उड़ रहा था कि सभी चीजें इसकी आगोश में आने लगी। सड़कों पर ट्रैफिक की हालत तो ऐसी थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लोग अपनी गाड़ियां रोककर तूफान के कम होने का इंतजार करने लगे। लोग अपने अपने घरों में दुबक गए। इसके बाद रेत के इस तूफान ने चीन के कई हिस्सों में जमकर कहर बरपाया। यह वीडियो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग का है, जहां लोग हमेशा की तरह रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। तभी अचानक जमीन के भीतर एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। ये धमाका इतना तेज था कि जमीन ही फट गई और कई गाड़ियां हवा में उछल गईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा जमीन के भीतर गैस पाइपलाइन के फटने की वजह से हुआ था। इंग्लैंड के डॉरसेट में समुद्र किनारे कुछ लोग एंजॉय कर रहे थे।
तभी अचानक 150 फीट ऊंची चट्टान का एक हिस्सा तेज आवाज के साथ नीचे गिरने लगता है, जिसे देखकर वहां खड़े लोग भागने लगते हैं। वो तो गनीमत रही कि ये लोग चट्टान से दूर खड़े थे, थोड़ा पास खड़े होते तो उन्हें इस कुदरत के क्रोध की चपेट में आने से कोई नहीं रोक पाता। इसी तरह यहाँ समंदर किनारे पहाड़ का ये बड़ा हिस्सा भरभराकर ढहने लगता है और तेज आवाज के साथ समंदर में समा जाता है, जिसके बाद पानी की इतनी ऊंची लहरें उठती है कि समंदर किनारे इस खड़े आदमी को भागकर अपनी जान बचानी पड़ती है। ऐसे ही हल्द्वानी और नैनीताल के रास्ते में वीर भट्ट पुल के पास अचानक भारी लैंडस्लाइड हो गया, जिसके कारण पहाड़ का मलबा सड़क पर गिर गया, लेकिन कोई उसकी चपेट में नहीं आया। इसी तरह जापान के अटामी में कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिला। इस वीडियो में भारी बारिश के बाद आए ताकतवर भूस्खलन में सैकड़ों घरों को चकनाचूर कर दिया। ऐसे ही जापान में 2011 में प्रशांत महासागर में भूकंप आया, इसी वजह से समुद्र में भयंकर तूफान आया और सुनामी का रूप ले लिया। 30 फीट ऊंची पानी की विशाल लहरों ने जापान के कई हिस्सों को निकल लिया और भारी तबाही मचाई। कुदरत के इस कहर से 16,000 से अधिक लोग मारे गए और सैकड़ों हजारों इमारतें नष्ट हो गई। वास्तव में कुदरत के गुस्से के सामने मैनमेड स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। लैंडस्लाइड तो आपने देखी, मगर क्या आपने कभी सैंडस्लाइड भी देखी है? नहीं तो सऊदी अरब का ये वीडियो देख लीजिए। देखिए रेत की मोटी परत के नीचे की धूल आहिस्ता आहिस्ता कैसे खिसकती ही जा रही है। इसी तरह सऊदी अरब में सैंडफॉल भी देखते जाइए, जिसे देखकर आपका सिर ही चकरा जाएगा। दोस्तों, आपके लिए एंटरटेनिंग वीडियोस बनाने में हमें हफ्तों की मेहनत लगती है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके अपनी बेशकीमती राय जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमें सुपर थैंक्स देकर सपोर्ट भी कर सकते हैं। रोमानिया के सलत शहर में साल 2019 में लोग तब हक्के बक्के रह गए जब यहां अचानक बड़े बड़े पत्थरों की बरसात होने लगी। इतने सारे पत्थरों के धड़ाधड़ गिरने से वहां धड़ाम धड़ाम का शोर मच गया। कई गाड़ियों के शीशे टूट गए और कई लोग घायल हो गए। थोड़ी देर बाद जब पत्थर बरसने बंद हुए तो पता चला कि पत्थरों की ये बरसात वहां मौजूद एक एक्टिव वॉल्केनो के इरप्शन के चलते हुई थी। इस डरावनी घटना को वहां मौजूद एक शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। कहते हैं कि आग और पानी से कभी नहीं टकराना चाहिए। पानी की ताकत देखनी है तो ये वीडियो देख लीजिए। यहां पानी की एक पाइपलाइन किन्हीं वजह से फट चुकी है, जिसके बाद पानी अपने पावरफुल फ्लो के चलते जमीन फाड़ कर ऊपर की ओर बाहर निकलता आ रहा है। इसी तरह गुवाहाटी के खारगुली के एक रिहायशी इलाके में पानी की एक पाइपलाइन इतनी प्रेशर के साथ फूटी कि उसका पानी इमारतों से भी ऊंचा गया। पानी का ये प्रचंड रूप देखकर तो कोई भी डर जाए। कुदरत के कहर का ये मंजर देखकर तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। यहाँ कुछ लोग समंदर के रास्ते शिप में सवार होकर कहीं जा रहे थे, तभी समंदर के किनारे एक ज्वालामुखी फूटने लगता है और उसका खौलता लावा इनकी शिप से कुछ ही मीटर की दूरी पर गिरने लगता है। ये मंजर वाकई दिल दहला देने वाला था। वो तो गनीमत रही कि इन लोगों की शिप लावा से कुछ ही मीटर दूरी पर थी, नहीं तो खौलता हुआ लावा इस शिप में भी गिर सकता था। इन लोगों के सामने लावा की एक गर्म धार लगातार समंदर में गिरती जा रही थी, जिसे ये लोग क्यूरियोसिटी से अपने अपने कैमरों में कैद कर रहे थे। कुदरत का ये डरावना मंजर हॉलीवुड की किसी फिल्म से कम नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों का शिप लावा से दूरी बना लेता है और सेफली यहां से डिपार्ट कर लेता है। कुदरत के कोहराम का सबसे बड़ा उदाहरण है बाढ़। जब जब प्रकृति गुस्सा हुई तब तब इसने बाढ़ के जरिए अपना गुस्सा बयां किया है। आप देख सकते हैं कि बाढ़ के आने के बाद कितना डरावना मंजर होता है। ये ब्रिज भी कुदरत के गुस्से का शिकार हुआ है। दुनिया में कोई विरला ही होगा जिसे बिजली से डर नहीं लगता होगा। अक्सर प्रकृति हमें यही डर दिखाकर अपना गुस्सा जाहिर करती है। जब कहीं पर बिजली गिरती है तो क्या आलम होता होगा, इस वीडियो से आप बेहतर समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुदरत के कोहराम के वो मंजर जिन्हें देखकर कोई भी हक्का बक्का रह जाए।
आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।